21वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह का आयोजन तब के बॉम्बे और अब के मुंबई में 11 अप्रैल 1974 में हुआ। इस अवार्ड समारोह में 19 कैटेगरी में 19 अवार्ड दिए गए। पॉपुलर अवार्ड से पहले एक नज़र डाल लेते हैं स्पेशल अवार्ड और टेक्निकल अवार्ड्स के विनर्स पर। नमस्कार दोस्तों, किशोर कहता है कि मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं एलन माइकल किशोर। चलिए अब देखते हैं पॉपुलर कैटेगरी में कौन कौन हुए नॉमिनेट और कौन रहे विनर्स। बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे महमूद फिल्म दो फूल के लिए, प्राण फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के लिए, I.S. जौहर फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए, असरानी फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए और असरानी फिल्म नमक हराम के लिए। अवार्ड असरानी को मिला फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे नूतन फिल्म सौदागर के लिए, नूतन फिल्म अनुराग के लिए, राखी फिल्म दाग के लिए, अरुणा ईरानी फिल्म बॉबी के लिए, बिंदु फिल्म अभिमान के लिए। अवार्ड राखी को मिला फिल्म दाग के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे अशोक कुमार फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के लिए, असरानी फिल्म अभिमान के लिए, प्रेमनाथ फिल्म बॉबी के लिए, अमिताभ बच्चन फिल्म नमक हराम के लिए और प्राण फिल्म जंजीर के लिए। अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला फिल्म नमक हराम के लिए। बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेशन थे गुलशन बावरा फिल्म जंजीर के लिए, गीत है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इंदिवर फिल्म समझौता के लिए, गीत है समझौता गमों से कर लो, आनंद बख्शी फिल्म बॉबी के लिए, गीत है मैं शायर तो नहीं, और आनंद बख्शी फिल्म बॉबी के लिए, गीत है हम तुम एक कमरे में बंद हो। अवार्ड गुलशन बावरा को मिला फिल्म जंजीर के लिए, गीत है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे SD बर्मन फिल्म अभिमान के लिए, कल्याण जी आनंद जी फिल्म जंजीर के लिए, R.D. बर्मन फिल्म यादों की बारात के लिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म दाग के लिए। अवार्ड SD बर्मन को मिला फिल्म अभिमान के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए नॉमिनेशन थे मीनू पुरुषोत्तम फिल्म प्रेम पर्वत के लिए, गीत है रात पिया के संग, सुषमा श्रेष्ठ फिल्म आ गले लग जा के लिए, गीत है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आशा भोसले फिल्म अनहोनी के लिए, गीत है हंगामा हो गया, आशा भोसले फिल्म राजा रानी के लिए, गीत है जब अंधेरा होता है, और आशा भोसले फिल्म नैना के लिए, गीत है होने लगी है रात जवान। अवार्ड आशा भोसले को मिला फिल्म नैना के लिए, गीत है होने लगी है रात जवान। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए नॉमिनेशन थे मोहम्मद रफ़ी फिल्म नैना के लिए, गीत है हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, मन्ना डे फिल्म जंजीर के लिए, गीत है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, किशोर कुमार फिल्म दाग के लिए, गीत है मेरे दिल में आज क्या है, नरेंद्र चंचल फिल्म बॉबी के लिए, गीत है बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और शैलेंद्र सिंह फिल्म बॉबी के लिए, गीत है मैं शायर तो नहीं। अवार्ड नरेंद्र चंचल को मिला फिल्म बॉबी के लिए, गीत है बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो।
बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे जया बच्चन फिल्म अभिमान के लिए, जया बच्चन फिल्म कोशिश के लिए, डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी के लिए, शर्मिला टैगोर फिल्म दाग के लिए, नूतन फिल्म सौदागर के लिए और मौसमी चटर्जी फिल्म अनुराग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड संयुक्त रूप से जया बच्चन को फिल्म अभिमान के लिए और डिंपल कपाड़िया को फिल्म बॉबी के लिए मिला। यानी जया बच्चन और डिंपल कपाड़िया बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की जॉइंट विनर्स रही। बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे धर्मेंद्र फिल्म यादों की बारात के लिए, राजेश खन्ना फिल्म दाग के लिए, संजीव कुमार फिल्म कोशिश के लिए, अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर के लिए और ऋषि कपूर फिल्म बॉबी के लिए। अवार्ड ऋषि कपूर को मिला फिल्म बॉबी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे राज कपूर फिल्म बॉबी के लिए, यश चोपड़ा फिल्म दाग के लिए, गुलजार फिल्म कोशिश के लिए, गुलजार फिल्म अचानक के लिए और राजेंद्र भाटिया फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए। अवार्ड यश चोपड़ा को मिला फिल्म दाग के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए जो फिल्में नॉमिनेट हुई वो हैं बॉबी, जंजीर, दाग, अनुराग, आज की ताज़ा खबर और कोशिश। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शक्ति सामंत द्वारा निर्मित फिल्म अनुराग को मिला। ये हैं 21वें फिल्मफेयर अवार्ड से जुड़ी कुछ खास बातें। नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दोनों कैटेगरी में एक ही फिल्म सौदागर के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन किसी भी कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिला। इससे पहले 17वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 1970 में अशोक कुमार को फिल्म आशीर्वाद के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोनों कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। तब अशोक कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। फिल्मफेयर अवार्ड्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अवार्ड को दो अलग अलग फिल्मों के लिए दो कलाकारों में साझा किया गया हो, यानी शेयर किया गया हो। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए जया बच्चन फिल्म अभिमान के लिए और डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी के लिए जॉइंट विनर्स रही। 5 अवार्ड जीतकर फिल्म बॉबी पहले नंबर पर रही और 4 अवार्ड जीतकर फिल्म जंजीर दूसरे नंबर पर रही। दोस्तों, अगले वीडियो में जिक्र होगा 22वें फिल्मफेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशन और विनर्स का। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।